अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हमारे बकरों को शो करने वाले थे हमारे ब्लॉग्स में, हमारे साबिर जी कैटल फीड कंपनी के सामने। अच्छा। बैनर के सामने, ठीक है। बारिश आई तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया हमारा स्टेज, जिसकी वजह से हम बड़े बकरे नहीं शो कर सकते हमारे इस स्टेज पर आज की तारीख में, क्योंकि थोड़ा सा देखो यहाँ पे ना ये इशू चल रहा है, छोटी छोटी बड़ी स्टेज हो रही है। तो अभी रात के बजे 11 और इस टाइम टेंट वाला हमारी सुनेगा नहीं कि वो आके इसको चेंज करेगा, और हमने इस चीज़ पे ध्यान थोड़ा लेट दिया क्योंकि आज हमारे बड़े बकरों की जो शूट होती है, प्रोफेशनल शूट जो हम लोग कराते हैं वो थी, तो उस करके मैं बिजी रहा। लेकिन आज हमारे उस्ताद को हम आपको शो करना चाहते हैं। आइए उस्ताद साहब। तो ये हमारे उस्ताद जी हैं जिनके छोटे बच्चे थे यहाँ पर फार्म पर। आराम से खड़े रहो, अभी हम इनकी छोटे बच्चे आप लोगों को शो करेंगे। और आज इनके सुल्तान भाई आओ स्टेज पे, सुल्तान भाई स्टेज पर आओ। नहीं दिए इन्हें बच्चे थे, इन्होंने बड़े बना दिया ना, छोटे छोटे बच्चे इनके हाथ में थे। वालेकुम सलाम। तो ये हमारे छोटे उस्ताद हैं, इन्होंने एक बकरा लिया था अपने हाथ पर, यानी कि चैलेंज लिया था 70-75 किलो के बच्चे को कि मैं इसको कितने किलो का बनाऊंगा, 100 किलो का बनाऊंगा। अच्छा, इन्होंने अपने बाड़े में डाला था उसको, अपने बाड़े में डाला था छीन के बड़े बकरों वालों से, ठीक है। और बिना किसी एक्सपीरियंस के भाई, क्या वेट आया आज तेरे बकरे का? 96 किलो। तो 96 किलो की माला इनको गुलफाम भाई और पहले पहनाएंगे, उसके बाद इनका बकरा हम लोग शो करेंगे। भाई पहनाओ, भाई माला पहनाओ, तालियां बजा देना भाई, तालियां बजा दो भाई। अच्छा, इसका कहना है कि ये कहता है उस्ताद ही कह दे। भाई जान, मैं आपको बताता हूँ इसका बकरे का नाम भी है। नहीं यार, डाल लो, ठीक है, नाम नहीं बता सकते भाई। भाई मोड़ा ला दे सुल्तान, जाके उस्ताद को बिठाना, उस्ताद को बिठा भाई, जल्दी भाग के जा, मोड़ा ले गया नहीं। अब इसे क्या कह दे, उस्ताद ही कह दे। तो जो भी भाई इब्राहिम उस्ताद का ध्यान रखे भाई, थोड़ी सी डाइट बताओ कि क्या क्या डाइट दी आपने 2 महीने में बकरे को, 20-25 किलो गेन करा दिया आपने। लो भाई दो उस्ताद बैठो, भाई भाई एक उस्ताद बैठा, अरे भाई बैठो। तो बताइए जरा आपने क्या डाइट दी बच्चे को, की बोल बो भाई। तो ये हमारे अंदरूनी नुस्खा बताओ, ये ट्रांसलेट करके बताएंगे। तेरे पे भी आती है ना, तुम्हें बता देगा ना, ठीक है। तू पूछ, इससे पहले ये पूछ कि क्या खिलाया बकरे को, की खल जी तो चावल है, हम कुछ खाए नहीं। बिना खवाए बना दिया। क्या बोला है? इन्हें बोला कि कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तू कुछ मत बोल, क्या बोल रहे हो? नहीं कह रहा है मैंने कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया। मसाला खिलाया, पत्ती खिलाया, दाना खिलाया। दाने में क्या क्या खिलाते हो भाई? दाना हाँ, पत्ती में मिक्स करो। पत्ती में क्या मिक्स करते हो? दाना। दाना कौन सा दाना, दाने का नाम? शाम को तो गेहूँ मिक्स करो, सुबह को जो मिक्स करो, शाम को तो गेहूँ मिक्स करो, शाम को जो मिक्स करो, शाम को गेहूँ मिक्स करो। हैं, कितनी कितनी मिक्स करते हो कुछ पता है? हाँ। कितनी? सुबह 9 किलो, शाम को 9 किलो। एक बकरे जितने भी इसके बाड़े के बकरे उनको 9-9 किलो डालते हैं। तो पहले इनका बकरा दिखाते हैं, बकरा ऊपर चढ़ा भाई, बकरा ले गया। चोट लगी, इसका जॉइंट यहाँ से पूरा हट गया था, यहाँ से ना इस जगह से। और बकरा कम से कम 2 महीने तो नहीं, 1.5 महीने के समथिंग बकरा चल ही नहीं पाया, एक ही जगह बैठा रहा। बेटे जरा जाके देख के भाग के, भाग के क्या हो रहा? तो मैं आपको बता रहा था कि ये 82 kg से बकरा, 85-86 kg से बकरा 72 kg पर आ गया था 1.5 महीने में। बिल्कुल बकरे की उम्मीद नहीं थी हमें कि ये बकरा इतना अच्छा तैयार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, शुक्र मनाओ, कितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है कि इस बकरे की हमारी मेहनत कबूल हुई। ये बकरा पलाई पर है हमारे पास, और इसके जो कस्टमर है उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, उनका एक बकरा फार्म पर हमारे ख़त्म हो गया था निमोनिया की वजह से, जब हमने फार्म शिफ्ट किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने उनको ये बकरा दिए थे कि भाई आप ये बकरा रखिए, तो इस बकरे पे भी मसला बैठ गया था, तो थोड़ा सा टेंशन हुई कि यार अब क्या होगा, क्योंकि सामने वाले का पहले ऑलरेडी एक बार नुकसान हो चुका है, सेकंड बार कैसे होगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे भाई हैं,
कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। और उन्होंने फिर ये बकरा लिया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बकरा 96 kg बॉडी वेट हुआ है सिर्फ 2 महीने में। माशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर इस बकरे ने इतनी अच्छी रिकवरी की है। तो अभी जरा थोड़े क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, यूट्यूबर की तरह जैसे यूट्यूबर पूछते हैं। भाई एक दिन में कितना दाना एक बकरा खा लेता है आपका? बस आधी किलो दाने। भाई तू चुप हो जा, मैं के बंदे तू चुप हो जा। 5 ग्राम लाए काय तो बिल्कुल हमें पता नहीं क्या आता, लेकिन अच्छा था। पता नहीं क्या था, अच्छा था। बोलना भाई एक बार और दोबारा बोलिए, क्या बोला अभी? 500 ग्राम एक बकरे को दाना आप खिला रहे हो, और आपके बकरे एक महीने में कितना कितना वजन ले रहे हैं? 10 किलो। हाँ 10 किलो। देखो मजाक की बात नहीं है, इस बकरे ने वाकई में 10-12 किलो के समथिंग में गेन किया है। ये बड़ा बकरा है, छोटा मोटा बकरा नहीं है शायद से, या तो हमें बड़ा लग रहा होगा, आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में 96 kg का बकरा है। हमने अभी इसका वेट किया, और ये बकरा कुर्बानी का है, सामने वालों का, सेल का नहीं है। हम इसको सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं एक फन के तौर पर, क्योंकि आज हमारे बड़े बकरों के यहाँ पर शूट नहीं हो पाई और मेरे को व्लॉग में कुछ था नहीं, तो हम इब्राहिम भाई के बकरे शो कर रहे हैं। अभी आपको सेल फीडिंग पर भराई लुक का बकरा दिखाते हैं, जो सिर्फ 0.5 किलो दाने पे तैयार हुआ है। हकीकत बताता हूँ, 0.5 किलो दाने पे तैयार हुआ है, वो मेरी पर्सनल कुर्बानी का बकरा है। आपको सिर्फ मेहनत दिखाते हैं कि मेहनत अगर आप करोगे तो कम बजट में कम दानों में भी आपके बकरे अच्छे बनेंगे, बस आपको बकरे रिलैक्स रखने। मैं कल परसों की वीडियो में बोला था ना कि रिलैक्स रखो बकरे को, तो वो रिलैक्स रहने का मसला बताता हूँ कि देखो बकरा माशाल्लाह क्या तैयार हुआ है। अभी बकरा देखना, बकरे की बगली आपको इब्राहिम उस्ताद ही दिखाएंगे। इब्राहिम उस्ताद दिखाओगे उस वाले बकरे को? हाँ। और बोल दो कि माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह बोल दो। माशाल्लाह बोल दिया। हाँ माशाल्लाह। आ जाओ भाई उस्ताद, ये वाला बकरे ने मैंगनी कर दी यहाँ पे। चैट तो करो, दाना निकल रहा है, नहीं निकल रहा मैंगनी में? दाना नहीं निकलता। दाना ना निकले इसके लिए क्या खिलाते हो? नसल नहीं पता, ठीक है। अब ये बताओ क्या वजन का बकरा है? वजन तोलता है इसका। तैयारी, सिर्फ तैयारी दिखाओ बकरे की। अच्छा तैयारी दिखा दो। तैयारी भी नहीं पता क्या किसको दिखे यार? सिर्फ खिलाना पता है बकरे को, कैसे खिलाया जाए। ये अभी बनवा रहे, तेरी वीडियो बनवा रहे, प्लीज यार रुक जा। देखो भाई मजाक से, बहुत मजाक हो गई। ये देखो है ना मजा, और बकरे साइड से भी दिखाओ भाई, घुमा के दिखा। अच्छा दिखाना भाई जरा चेस्ट में। बस 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 ये देखो, इब्राहिम उस्ताद ऐसे दिखाई जाती है। देखो तैयारी, मैं बोल रहा इसको, मैं आपको बता रहा था कि ये तोतापुरी बकरा का क्रॉस है बर्बरी में। तो जो लोग छोटी बकरियां रखते हैं उनको एक सजेशन है कि बड़े बकरों से क्रॉस कराओ, तो इंशाल्लाह आपको ये 2 साल का बकरा था, पूरा 2 साल का। मैं ये नहीं कहता कि ये 2 दांत 4 दांत है, पूरा 8 दांत का कम्प्लीट बकरा है, 2 से 2.5 साल के समथिंग में बकरा है। लेकिन माशाल्लाह तैयारी वगैरह देखो, और ये बहुत हैवी फीड पर मैं नहीं रखा था। मेरी प्लानिंग थी इसको इस साल भी रिपीट करने की, लेकिन हम इसको इस साल कुर्बानी करेंगे। बहुत ही नायाब चीज़ है, बहुत ही नायाब, और बहुत माशाल्लाह बकरा है। क्वालिटी, खूबसूरती, पेटी वेटी आप देख लो, आपको ज़रूरत नहीं है भराई करने की। और अगर इसको गलती से भराई लगा दी तो ये चल भी नहीं पाएगा, इतना लटक जाएगा। ये देखो तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये बकरे थे, 2 ही बकरे आपको दिखाए, दोनों बकरों की तैयारी आप देख सकते हो। ये हमारे आगे छोटे बकरे हैं, बड़े बकरे जब आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे कि ये भराई के बकरे हैं कि सेल्फ फीडिंग के। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने बहुत नवाजा इस साल, बहुत अच्छे अच्छे बकरे दिए हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई आप अंडर एज काम करा रहे हो, तो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना काम वाम नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ आते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, बकरों का शौक है तो शौक करते हैं पूरा और चले जाते हैं। इतना सा काम है तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली मत लेना। माशाल्लाह 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 उस्ताद, इसका बकरा ये काज रहेगा। ये क्या बोल दिया भाई? हाँ मतलब ये हमारा बढ़िया बकरा कुर्बानी का, ये मेरी मतलब कि ससुराल में जाएगा बकरा, ये उनका बकरा। बात क्या बकरा, इब्राहिम को मौका मिला, इब्राहिम खेल गया। इब्राहिम के बारे में हम खेलते हैं यार, सुल्तान यार क्या है यार, बकरा पकड़ लो उस्ताद। उस्ताद एक सेकंड, उस्ताद बकरे की ब्रीड के बारे में बताओ, क्या ब्रीड है ये? मेवाती। थन कितना था? मेवाती। पूछ रहे नसल, पूछ रहे नसल। नसल हाँ, नसल बढ़िया, कौन सा खानदान बढ़िया? इसका नाम है नसल बढ़िया, ठीक है। तोता बरी जैसे लग रहा। बाकी आप कमेंट में बताना कौन सी नसल है। कितने दांत उस्ताद ये?
मैं भाई तू चुप हो जा, तेरे बकरे गए पड़े बंगाली में। तीन दांत, तीन दांत, तीन सर सर तीन दांत होते भी नहीं। हां देखो चल, तीन मैं तीन दांत का बकरा क्या वजन है भाई? पता नहीं भाई, पता नहीं भाई इसका बॉडी वेट कितना था? 67-68 केजी का बकरा है, पर मेरे हिसाब से 71 तोल दिया मैंने। 71 के समथिंग, हां चलो 68 ही मान लेते हैं। पेटी वेटी चेक कर लो, दो दांत था, चौथा दांत कर रहा है। बकरे की तैयारी चेक कर लो, 18 से 20 किलो का बकरा था बेटा, जरा टर्न करा देना बकरे को उस्ताद। बेटा गलती, टर्न करा देना यार। या तो एक बंदा चला लो बकरे को यार, इसको पकड़ दे। अरे भाई कुछ नहीं देखने का उस्ताद, इधर आ जाओ आराम से। देखो कह रहा है मुझे इससे सिखाया किस तरह बकरा बन जाओ, इस तरह बकरा बन जाओ, ये नुस्खा था। इस तरह बकरे बनते हैं, ठीक है। इस बकरे का थोड़ा पैर में यहाँ पर एक गाट टाइप आई है, थोड़ा तकलीफ है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ दिखाया। ये बकरा 74 केजी से रिवर्स आया, क्योंकि इसके पैर में यहाँ पर रसोली है। बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अभी इसका इलाज कुछ नहीं है, इस पर सुमैक लगा रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द फट जाए। सुमैक से जल्दी रेडी हो जाएगी, पक जाएगी, और फिर इसको पस जो निकलेगी उसको फाड़ के हम लोग बाल्टीन वगैरह भर देंगे, ठीक है उस्ताद? ओके, तो यही था। उस्ताद कितना दाना खा रहा है बकरा एक टाइम पर, मतलब पूरे दिन में कितना दाना खाता है? यार तू चुप रहा कर, चिंगम ला रहे कहीं सारी। तू बोल बे, कितना बकरा दाना खा रहा है आज? मेरा बोले ना भाई, भाई भाई चुप हो जा यार, बता भाई। 500 ग्राम, 500 ग्राम दाना खा रहा है बकरा। दाने में क्या क्या खिलाते हो उस्ताद? हाँ सुबह शाम क्या क्या दाना खाता है बकरा? जो भी खाओ गेहूं भी खाओ, जो भी खाओ गेहूं भी खाओ, और पत्ती पत्ती और मसाला भी, मसाला भी, पानी भी पिए। हाँ तो मसाले का नाम ये बड़ी अलग चीज है भाई, वैसे पानी पीना एक बहुत अलग चीज। मसाले का नाम पूछते हैं, कौन सा मसाला, किसका मसाला यूज कर रहे हो? उस्ताद इनके सामने कोई नहीं बोल सकता, इन्होंने अपना खुद का मसाला बना हुआ है। तो जिन लोगों को मसाले की रेसिपी जाननी हो तो बता देगा क्या क्या डलता है मसाले में? नहीं बताएगा, चलो खैर नाम बता दो अपना एक बार। इब्राहिम उस्ताद, इब्राहिम उस्ताद, ठीक है। अगर कोई भाई पलाई पे बकरा देना चाहे तो ले लोगे? हाँ ले लो। ले लेंगे। क्या रुपए की पलाई लेते हो, महीना क्या लेते हो पलाई का? पता नहीं भाई। तो पहले सपोज मुझे बकरा छोड़ना है आपके पास पलाई पे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वो भी नहीं। तो बस, तो मतलब जो कस्टमर आपको देख रहे हैं उनको बकरा यहाँ पे छोड़ना है साबरी गोट फार्म पे, आपके अंडर में वो चाहते हैं कि इब्राहिम भाई तैयार करे बकरा, इब्राहिम उस्ताद, तो क्या उनको कितने रुपया महीना लोगे? कितने रुपया महीने की लोगे? की बोल दो तीन हजार। अच्छा मैं आपको 20 किलो का बकरा ला के दूं, कितने किलो का कर दोगे उसको एक साल में? 20 किलो का बकरा? हाँ। एक महीने में 40 किलो बकरा बना दो। एक महीने में 40 किलो बकरा बना दो, ये खुद बकरे के ऊपर बैठ के तुलेगा है ना? देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले आज 40 किलो का तो इब्राहिम भी नहीं है भाई। एक महीने में 20 किलो का बकरा, कम 40 किलो का, हाँ दो कम 40 किलो का, कम बोलिए सुन, एक महीने में इब्राहिम को बकरा ला के दो 20 किलो का, एक महीने बाद 40 किलो का इब्राहिम से ले लो। इब्राहिम पे कुछ जा, अगर नहीं बन उस्ताद फिर क्या करोगे? भुना मुर्गा तुम खिलाने पड़ेगा मुझे। बस भुना मुर्गा तो हम खिला देंगे तुझे, अगर नहीं बना फिर तो आप भुना मुर्गा इब्राहिम को खिलाओगे पलाई से अलग, बट अगर आपका बकरा नहीं गेन हुआ 20 किलो तो इब्राहिम आपको मुर्गा खिला देगा, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ठीक, मारना धारना नहीं है। अरे एक बात बताना, पैसे कौन देगा? पैसे पल कस्टमर देगा ना, 3000 रुपए बकरे का, बड़े ना बड़े आपका बढ़ जाए, ठीक है। चलो उस्ताद से ले जाओ, ले जा भाई, ले जा भाई, आराम से उतारियो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा गोट शो, अभी बस तीन ही दिखाते हैं, लेट बहुत हो गया, एडिट भी करनी है, और वीडियो हमारी कल आएगी। आज के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा बारिश भी आ गई, और प्लस सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि स्टेज थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं बनी है, और मेरे बड़े बकरे इस पे आएंगे तो पैर का इशू हो सकता है,
हमारे यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो बड़े बकरे यहाँ को चढ़ेंगे नहीं, तो हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। मैं आपको क्लियर बताता हूँ भाई, मसला क्या है कि हमारे यहाँ पर जो फार्म जो टेंट वाले हैं उनको आइडिया नहीं है कि हमको किस तरह के स्टेज चाहिए, और यहाँ पर थोड़ा सुविधाओं की कमी है क्योंकि हम लोग गाँव से हैं, और इस गाँव में क्या है कि टेंट वेंट वालों को या तो वो बहुत बड़ी स्टेज हमको देंगे जो कि बनती है वो नेताओं के लिए, वो चलेगी नहीं अपने को क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और अगर इसको उन पर आ नहीं रही बनानी तो कल को मुझे खुद से इसको रेडी करनी पड़ेगी, खुद बैठ के सारी चीज़ें रेडी करेंगे उसके बाद इस पर बकरे दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको छोटा सा हमारा वो मैट गिर दिए बस नीचे, हाँ वो वाली मैट डाल देंगे ना इसके नीचे। तो आई होप कि आपको हमारा व्लॉग समझ में आया हो, आज का बोल चुक के लिए माफ़ी, मिलते हैं इंशाल्लाह। इब्राहिम उस्ताद ये बैठे हैं, इब्राहिम उस्ताद ठीक है। तो आज का शो इब्राहिम के नाम रहा, कल का शो सुल्तान के नाम रहने वाला है, तो जो भी रहेगा इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।